यूट्यूब, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। और आज मेरा होम आइसोलेशन का 18वां दिन है, तो आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे। हम अभी जो सीरीज पे काम कर रहे हैं, इंटरव्यू के सीरीज पे काम कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोज में 9वां नंबर क्वेश्चन एड ऑटो सेल में बताया था, आज हम 10वां नंबर क्वेश्चन बात करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आल्सो किसी हमारे एक यूजर ने भी पूछा है कमेंट करके। तो क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हम बात करते हैं कनेक्शन, डेटा कनेक्शंस की। जैसे अगर मान लीजिए कोई डेटा कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी डेटा फ्रॉम फाइल करके आप उसको कनेक्ट करें, तो एक्सेल टू एक्सेल आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लेते हैं सिंपल सा, एसटी डेटा करके मैं ले लिया एंड इनपुट। अब इसमें मुझे सीट चूज करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो चलता है तो इंतजार कीजिए। हाँ, डेटा आ गया, तो यहाँ भी चेंज होगा, लेकिन उसके लिए मुझे दो चीजें करनी पड़ेगी। मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा या रिफ्रेश करना पड़ेगा, फाइल को ओपन या रिफ्रेश करना। तो कैसे करें कि ऐसा ना करना पड़े, मेरा फाइल, हमें हमारी जो फाइल है टाइम टू टाइम किसी एक पीरियड में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है, डेटा यहाँ पे डेटा मेनू बार में जाना है, क्यूरी एंड कनेक्शन पे आना है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है, और यहाँ देखिए रिफ्रेश एवरी मिनट, यहाँ एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट जो भी देना है दे दीजिए, तो उतने मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो और आपका डेटा अपडेट होगा। तो बेसिकली एक्सेल टू एक्सेल नहीं, इसका यूज हम लोग करते हैं जब हम किसी वेबसाइट से डेटा को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका NSA BSA India.com जो है उससे कनेक्ट करना, लाइव स्टॉक का डेटा लाना, तो वहां पर करते हैं कि हर मिनट में वो रिफ्रेश हो। और यहाँ पे डेटा दिखे, तो ये हमारा 10वां नंबर इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि डेटा को कैसे एक्सेल टू एक्सेल को कैसे हम लिंक करते हैं, और दूसरा हर एक मिनट हर एक सेकेंड पे कैसे डेटा मेरा कनेक्ट होगा, ये हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपने प्रॉब्लम पे भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उसके चैट सेक्शन में जो पूछना है हमसे पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन में जाइए और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो का डाउनलोड, ये हमारे ऐप का डाउनलोड एक लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने।